हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 90 पैसे की गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक आधे परसेंट के करीबन की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए देखने को मिलेंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो पीछे के एक सप्ताह के अंदर स्टॉक में 3.5% की गिरावट देखने को मिली है, तो वहीं एक महीने के अंदर 2.5%, 3 महीने में 47% की तेजी देखने को मिली है, तो वहीं 6 महीने में 23% का पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, परंतु अब इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर पीछे के लगातार एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो स्टॉक में एक डबल टॉप बॉटम बना 280 रुपीज, 280 रुपीज के से स्टॉक में एक हाई बॉटम बना ऊपरी लेवल पर, स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा। अब स्टॉक का नीचे के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 261 रुपीज, 261 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक में एक लो लगा और यहीं से स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में एक बाउंस बैक भी सेम प्राइस से देखने को मिला है। तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 261 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 280 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।